जितना आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उतना ही टीचर्स भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सभी की। वी आर नथिंग विदाउट यू, समझ में? आपके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूं। अभी 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 आते वक्त सोशल मीडिया पर मैंने एक स्टोरी पढ़ी, अब वो पता नहीं सही है कि नहीं है, बट वो टीचर और बच्चों के प्यार को दर्शाती है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ में? तो आप लोग जितना अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट और प्यार करते हो, सेम वाइसी वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, बट क्या वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता? समझ में? कम्युनिकेट नहीं हो पाता या फिर वो आप तक पहुंच नहीं पाता, बट वी ट्राई, यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं वो प्यार। अभी मैं आ रहा था तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी, क्या था, केरला की कोई मैम थी, आई डोंट नो दिस इज ट्रू और नॉट क्योंकि सोशल मीडिया से पढ़ा है, बट आई होप कि जो सही होगा, मैं मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी पे नहीं जा रहा हूँ, बट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि टीचर और स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है, एक केरला की कोई मैम थी जिनसे किसी बच्चे ने पढ़ा था, वो मैम रिटायर हो गई थी, ठीक है? एक वो जो बच्चा है जो उनसे पढ़ा था वो स्टेशन पे उतरा, उन्होंने देखा कि जब मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ तो राइट साइड में एक लेडी बैठी है जो कि भीख मांग रही है, समझ में? बैठे होते हैं साइड में स्टेशन से निकलते हैं तो जो भीख मांग रहे हैं, उसने देखा कि इसकी जो शक्ल है वो मेरी टीचर से बिल्कुल मिलती है, जो हम अच्छा वो मैथ्स टीचर ही थी, हाँ उससे शक्ल मिलती है। तो उसने पहले थोड़ा हिचकिचाया कि यार हमारी वो मैथ्स की टीचर थी इतने पुराने टाइम पे, तो वो ऐसा थोड़ी होगा ना उनके साथ, बट फिर उससे रहा नहीं गया तो उसने पास जाके पूछा कि इज इट सो कि आप वही मैथ्स टीचर हैं क्या? तो उसने बोला हाँ मैं वही मैथ्स टीचर हूँ, आपने एकदम सही पहचाना। तो फिर उसने उनको उठाया, प्रॉपर प्लेस पे लेके गया, ठीक है, उनके रहने की व्यवस्था करी, फिर उनसे वो स्टोरी जानने की कोशिश की कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको भीख मांगनी पड़ रही है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं स्कूल से रिटायर हो गई थी उसके बाद में उनके जो बच्चे थे उन्होंने उसको बोलते ना घर से निकाल दिया था, बूढ़ी उम्र में या बुजुर्ग जब वो हुई तो उनको घर से निकाल दिया। तो पेरेंट्स को घर से निकालने के बाद में वो हो गए, फिर उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे तो उसके लिए उनको भीख मांगनी पड़ी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो इस वजह से उनको भीख मांगनी पड़ रही थी। अब वो क्या है, बच्चों के साथ फिर उसने जो उसका स्टूडेंट था, उनका स्टूडेंट जो था, उन्होंने उसका बढ़िया रहने का व्यवस्था करवा दी और ओल्ड एज होम में उनको रखवा दिया और पैसे वैसे भी कुछ देके चले गए। तो लास्ट में द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि टीचर्स आप लोगों पर, जो स्टूडेंट हैं सामने बैठी है जो जनता, उस पर बिलीव मी, सभी, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ, सब लोग अपने परिवार से ज़्यादा टाइम, विश्वास और बोलते ना गुड, जिसका हम भला चाहते हैं, वो आप लोगों अपने परिवार से भी ज़्यादा, समझ में? और वो चीज़ बाद में कहीं ना कहीं एज ए रिस्पेक्ट बाद में पे ऑफ हो ही जाती है, समझ पा रहे? तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग अपने टीचर से प्यार करते हैं, टीचर्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब सब, मैं भी, सभी जितने भी हैं, ठीक है।